गाइज गुड मॉर्निंग, सुबह के 10:30 हो रहे हैं और मैंने दोबारा सो गई थी। मैं एक बार उठ गई थी, मैं उठी थी 6:30 बजे उठी थी और किट्टू ये स्कूल नहीं गई, इसका स्कूल भी मिस हो गया और हम लोग दोबारा सो गए। मैं पहले सो गई थी जाके, फिर मेरे पास आके ये सो गई थी, तो स्कूल हो गया मिस एंड मेरा काम सारा हो चुका है और मैं अब एक्सरसाइज करने जा रही हूँ। अपनी मेरी एक एक्सरसाइज है, मैं उसे स्किप नहीं करती हूँ, मैं उसे डेली करती हूँ, उससे मुझे काफ़ी रिलीफ होता है। तो और जो मुझे प्रॉब्लम है, मैं उसके बारे में कभी आपसे डिटेल में बात करूँगी, अभी नहीं। तो उस प्रॉब्लम के लिए मुझे ये एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है, मतलब करनी पड़ती है, और नहीं करती हूँ ना मैं तो मुझे दिक्कत हो जाती है। अगर किसी को जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स होंगे तभी मैं बताऊँगी अपनी प्रॉब्लम के बारे में, अदरवाइज नहीं बताऊँगी। तो चलो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। और आज हम लोग सोच रहे हैं कि आज कहीं घूमने जाएं, मौसम भी सही हो रहा है और आज हमने देखना मौसम, धूप नहीं निकल रही है और मैं जल्दी से एक्सरसाइज कर लेती हूँ और जब हम लोग, या तो मैं पहले मतलब नहाने के बाद आपसे मिलती हूँ या हम लोग निकलेंगे या तब मिलती हूँ। हो सकता है कि ना भी जाएं क्योंकि हमारा ऐसा ही होता है, हमारा बहुत बनाते हैं लेकिन हमारे हमारा वही कैंसिल हो जाता है। तो देखते हैं, जब हम अगर हम गए तो रास्ते में आपसे मिलेंगे और नहीं है तो घर पर तो मिलना ही है देर में। तो गाइस मैं आ गई हूँ नहा के, मतलब नहा तो मैं काफ़ी देर पहले ली थी और मंदिर भी मैं हो आई हूँ और वहाँ मैंने जल चढ़ा दिया महादेव पे और बस हम लोग निकल रहे हैं। पहले हमें बैंक जाना है, कुछ काम है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कहाँ जाते हैं। और बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं, तो देखते हैं अगर ज़्यादा देर बारिश हुई तो मुश्किल है। बाकी हम लोग जहाँ जा रहे हैं ना, जब बैंक है ना, वहाँ डोसा मिलता है, बहुत ही अच्छा डोसा होता है उनका, तो वहाँ डोसा खाएंगे क्योंकि आज हमने घर पे कुछ नहीं बनाया है, तो डोसा खाते हैं एंड इडली दिखाएंगे आपको कि वहाँ का डोसा कैसा होता है। मतलब यार हमें खाते खाते, मतलब मैं यहाँ गाज़ियाबाद में आई थी 2000 कब आए थे हम, 8 में ही आए थे ना। हाँ, मतलब मैं, मेरे हस्बैंड तो बहुत टाइम पहले से, मतलब दो, तुम कितने टाइम से रह रहे हो यहाँ? हाँ, जो हस्बैंड है ना मेरे, वो 2001 से रह रहे हैं और मेरी शादी 2008 में हुई थी, तो मैं 2008 अप्रैल में आई थी, तो इतना तब से हम लोग वो डोसा खा रहे हैं और इतना यम्मी, इतना टेस्टी डोसा होता है। मतलब आप ये लगा लो, मैंने वहाँ से टेस्टी डोसा मैंने कहीं आज तक नहीं खाया है। मैंने इतनी जगह डोसा खाया बट मुझे उनसे वहाँ से अच्छा डोसा कहीं नहीं लगता। और इन लोगों को ना शादी में बुलाते हैं, तो जब हम डोसा खाएंगे तो आपको दिखाएंगे, तो मिलते हैं हम आपको रास्ते में। बारिश नहीं, अरे ये, अरे भीग जाएगा, अरे नहीं मुझे कट है, अरे इसको ये बूंदे हो रही है, इधर ले लो ना, आओ इधर आओ कट है। तो हम निकल रहे हैं, बाकी बैंक का काम तो हमें करना है, तो बैंक तो खुला ही है और हमें अंदर बैठना है, बाकी घूमने का भी पता नहीं है कि क्या है। और मैं जा रही हूं। अरे तो डोसा तो खाना ही है बेटा, आपने तो खाना नहीं खाया। अरे डोसा खाएंगे बाबू, तो लेट्स सी क्या होता है वहाँ जाके। और ऐसा ही होता है पता है, जब भी हम ना घूमने का कुछ प्लानिंग करते हैं, हाँ ठीक है,
जब भी हम घूमने की प्लानिंग करते हैं ना, हमारे साथ यही होता है। वैसे तो हमारा जाना होता नहीं है, और जब हम कहीं सोचते हैं तो ये रायता फैल जाता है। किट्टू आओ, किट्टू का आउटफिट। बस ये डोसा खाने के लिए एक्साइटेड है, बस और कुछ नहीं। मुझे बैंक में जाने का कोई शौक नहीं है। ये बैठी रहेगी, ये और कडल दोनों गाड़ी में बैठे रहेंगे, बाकी हम अपना जो काम है वो करके आ जाएंगे। अब जल्दी करके आना। जल्दी क्या, वहाँ में दावत खानी है? हो भी सकता। अच्छा गाइस, ये बताओ कि इसकी शक्ल मेरी शक्ल एक जैसी है, मतलब ये मुझ पे गाइस लंबी से कितनी लंबी हो? हाँ, ये हाइट पे मेरे से लंबी चली गई, और ये 12 साल की है, बट देख के कोई ये सोचता है ये 14-15 साल की होगी। 14-15 तो नहीं होगा, कुछ भी है 14। गाइस हम निकल चुके हैं, और कडल को देखो, जहाज को लेकर कडल को देखो, अब ये ऐसे ही बेचैन रहेगा, बेचैन आत्मा। और बारिश हो रही है, कैसे लोग खड़े कर देते हैं नाश्ते में ऐसे। मैं आपको बारिश दिखाती हूँ। किट्टू, किट्टू पीछे बैठी है। कड़ल, क्या है कड़ल, शांति से नहीं बैठा जाता तुमसे? यार बारिश होकर ना बड़ी चिपचिप हो जाती है पूरे उसमें। कड़ल दिखाती हूँ मैं आपको, बाहर का दिखाती हूँ, बाहर का नजारा बहुत ही प्यारा हो रहा है, आप देख सकते हो। मौसम है सुहाना, दूर है किसी से दिल ना लगाना। बहुत ही बाकी में घूमने लायक है। अगर सुनो, नहीं दिया है खाना, तो बीवी ने खुद भी नहीं है खाया कुछ भी, तो बहुत ही प्यारा मौसम है ऐसे में। बस है कोई घूमने लायक जगह बारिश में? हाँ, चेरापुंजी। चेरापुंजी चले दो। हाँ चलो, नहीं लग रहा। क्या तो नहीं मन लग रहा, बोलो बोलो, नहीं लग रहा। मेरा पर्स देना। यहाँ तो रखा था, यहाँ नहीं है। नहीं, इधर आओ, इधर आओ, गाड़ी से बाहर जाएगा। इधर आओ, गंदी बात। यही हूँ, यही हूँ, नहीं जा रहा। देखो इधर, देखो इधर, इधर पता नहीं इसे ना क्या दिक्कत है। ये एक मिनट के इसके लिए, अगर घर में 3 लोग हैं, अगर 10 लोग भी है ना, तो ये सारे चाहिए। अगर एक भी कोई इधर उधर हो जाए ना, तो ये दिक्कत हो जाती है। देख लो ना आप, इसका पागलपन। कडल देखो इधर, कडल क्यूट क्यूट बाबू है, क्यूट 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 क्यूट। इधर देखो, इधर बाल बाल छोड़ो। अच्छा उस गाय को कह रही थी तू, स्टैचू की तरह खड़ी है, खा रही है कुछ, नाम ले रही है, घूम रही है। यही है भाई, इधर ही है कड़ल, फिर जाओगे तुम। एक फोन को ना यहाँ रखने के लिए स्टैंड चाहिए होता था। देखो, अगर इसे छोड़ दिया ना, तो ये मुझे नहीं लगता ये कूद के नीचे भी चला जाए। तू क्या कर रही है तू? और इसे जब ये ना जब गुस्से में होता है ना, और इसे प्यार करने की कोशिश करो ना, तो ये काट भी देता है। कड़ल, तो गाइस बैंक तो हम आ चुके हैं, और जाना मुझे भी अंदर था, बट ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, तो मैं यहीं रुक गई इसके पास। और उसके बाद हम खाने जाएंगे डोसा। तो जब हम डोसा खाएंगे ना, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि डोसा उनका जो जहाँ भैया वो लगाते हैं अपना स्टॉल, तो नहीं बोल सकते उसको, क्या बोल सकते हैं बाबू, क्या बोलते हैं उसको? कुछ
पता नहीं, मतलब जहाँ उनका है, जहाँ वो लोग खड़ो के बनाते हैं, मैं वो दिखाऊंगी आपको, और उनका डोसा भी दिखाऊंगी वो कैसा होता है। काफ़ी अच्छा होता है, मतलब देखने में भी अच्छा होता है, खाने में भी अच्छा होता है। तो अगर आप गाज़ियाबाद से हो या नोएडा या यहीं आसपास के हो तो आप एक बार ट्राई करके देखना। और ये कभी नगर में लगता है, ये इनका जो स्टॉल है, स्टॉल ही बोल सकते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, तो कभी नगर में लगता है। तो वहाँ कभी आके आप खाना इसका डोसा, कसम से आप एक बार आ गए ना तो आप हमेशा यहीं खाने आओगे, इतनी इस बात की मैं गारंटी देती हूँ आपको। ये हमारे पास है यहाँ, और घड़ा ये लोग ये चेक करा के दे रहे हैं, मतलब पानी भर के, कि वो कहीं लीक वीक तो नहीं हो रहा। और आप मुझे कमेंट करके बताना कि कितने तक का हो सकता है ये घड़ा, फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने कितने का लिया विद स्टैंड। ठीक है, वैसे स्टैंड अलग से है, इसके साथ में नहीं है स्टैंड, वो अलग से है। क्या हुआ? ऐसा ही है। तो ये घड़े हैं सारे, आपको दिख रहे होंगे। आप घड़े का चक्कर में ना, अरे नहीं कुल्लर। अच्छा, कितने का है ये? कप है, कप मिट्टी के बने हुए। अरे तो खत्म हो गया। बहु यू कांडल कांडल लो कांडल, बहु देख किट्टू, देख ले से किट्टू। बेटा ये अभी खरीदा नहीं है, ये खरीद कड़ल खा भी रही हूँ कि कहाँ है हमारा डोसे वाला। बस ये जो सामने दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये है भैया का। क्या हुआ? तो गाइस, हमारी डोसे की प्लेट आ चुकी है, और इसमें आपको सांभर मिलेगा और नारियल की चटनी, टमाटर की चटनी एंड ये डोसा। ये डोसा ना बीच में कट कर देते हैं भैया, ये पूरा एक ही डोसा होता है, बीच में कट कर देते हैं क्योंकि ये प्लेट में आ नहीं सकता, इतना बड़ा होता है ये। और इसकी गाइस स्टफिंग होती है ना, वो भी यार मस्त होती है, कसम से मज़ा आ जाता है। आप चाहें इसका अंदर का जो स्टफिंग होती है वो भी अलग से खा सकते हो, या इसके जो पपड़ी वो भी खा सकते हो। और मैंने ना काफ़ी जगह डोसा खाया है, मैंने हीरा स्वीट में भी खाया है और मिठास में भी खाया है, और जो रोड साइड होते हैं ना वहाँ भी खाया है, बट यहाँ वाला जो टेस्ट है ना वो कहीं नहीं मिल सकता है गाइस, अमेजिंग होता है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करना यहाँ, और एक बार अगर आपने यहाँ खा लिया ना तो मैं गारंटी देती हूँ आप कहीं और जाने की सोचोगे भी नहीं। तो क्या इनकी सांभर होती है, क्या इनकी चटनी होती है, क्या इनकी टमाटर की चटनी, क्या नारियल की चटनी, सब कुछ अमेजिंग होता है। और इनके जो रेट है ना वो भी अच्छे होते हैं। आपको ना जो मसाला डोसा है वो 70 रुपए का, और जो पनीर वाला है वो 120 का, और इनके यहाँ इनके यहाँ इडली और बड़ा और डोसा, ये तीन चीज़ें मिलती हैं। तो गाइस एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना, और बस हम लोग खाते हैं, इन्जॉय करते हैं। एंड अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग लाती रहूँगी। एंड अपना ख्याल रखें, बाय।